हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777 77। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग आपके रिलेशनशिप पर होगी। जिस भी फॉर्म में, जिस भी स्टेज में, जिस भी फेज में आपका रिश्ता है, उसमें आपके पर्सन की लॉयल्टी, यानी कि क्या वो आपको चीट कर रहे हैं या वो आपके साथ लॉयल हैं। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी ये मेंशन कर रहे थे, और प्राइवेट रीडिंग में भी ये क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा, लोग डेफिनेट नहीं होते। तो आई थॉट टू हैव अ जनरल रीडिंग, और ये कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी, लेकिन आप इसकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन अपनी लाइफ से रिलेटेड मत बनाइएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, अपनी रीडिंग्स चेक करिए, और उसकी बेसिस पर ही कोई डिसीजन बनाएं। और कार्ड्स के ही थ्रू पता चलेगा वेदर समबडी इज़ चीटिंग ऑन यू, कोई चीट कर भी रहा है, या होपफुली सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो मैं अभी पहले से कुछ भी नहीं कह सकती, ठीक है। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। तो लेट सी कि आपके रिलेशनशिप में क्या आपके पार्टनर आपसे लॉयल हैं। पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे, और फिर रीडिंग को एक्सटेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए वीकेंड बहुत जैम पैक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बट डेफिनेटली डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। एक क्वेश्चन का भी आप आंसर ले सकते हैं, डिटेल रीडिंग के भी ऑप्शंस होते हैं। मैं ज़्यादातर डिटेल्स जब व्हाट्सएप पे कोई कांटेक्ट कर लेता है तभी देती हूँ, लेकिन आजकल मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही, तो बहुत लेट हो जाती है रिप्लाई में, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट डिटेल्स मौजूद हैं, और टेक्स्ट मैसेज अगर आप SMS ड्रॉप करते हैं तो आई कैन नॉट रिप्लाई, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं या आपको चीट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, ऑलराइट, जस्टिस, टू स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानास, और ये भी मेरे लिए किंग्स और क्वींस भी एक तरीके से मेजर आर्काना के ही बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, हेरोफेंट टॉरस एंड जस्टिस लिब्रा, ठीक है। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी चीट नहीं कर रहे, और ये ज़रूर है कि वो आपके साथ और एक दूसरी सिचुएशन के साथ जगल ज़रूर हो जाते हैं, कन्फ्यूज ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन आपके साथ चीट नहीं कर रहे। क्या रीज़न है उसके बिहाइंड? कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ भी अपने मुतालिक छुपाया हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े ही डिफरेंट कैटेगरी के पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, सेक्टेरियन डाइवर्सिटी भी है, यानी कि फ़िकावाराना तब्दीली भी है, बरादरी का फ़र्क भी है। शादीशुदा हो सकते हैं आपके पर्सन विद द हेरोफेंट कार्ड, मैरिड हैं ऑलरेडी, और अगर नहीं तो इनका बहुत नाम धाम है सोसाइटी में, ठीक है। डिस्टेंस डेफिनेटली इन्वॉल्व है, दूर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आज गाड़ी में बैठे, बाइकिया किया और पहुंच गए। इट टेक्स टाइम टू मीट, आप लोगों को साल भी लग जाते हैं मुलाकात करने में, महीने भी लग जाते हैं, और अगर आप सेम सिटी में भी रहते हैं तो आप लोगों के दरमियान ट्रैवलिंग इतनी इन्वॉल्व है कि आप लोग को लिटरली एक दूसरे से मिलने के लिए बाज़फ़ा लगता है कि जैसे बाकायदा स्केड्यूल करना पड़ेगा मीटअप प्लान। येस, डेफिनेट डिस्टेंस इज़ फॉर श्योर। प्लस आपके पर्सन एक जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है ना, आप उनकी लाइफ के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोल में से एक पार्ट हैं, ठीक है। आपके पर्सन लिटरली इंस्ट्रक्टर हैं, लीड करते हैं, यानी कि कमांड है उनके हाथ में। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस है, लेकिन टेलीपैथिकली बहुत कनेक्शन है आपका उनके साथ। कुछ चीज़ें आपकी और आपके पर्सन के दरमियान फॉर श्योर ऐसी ज़रूर हुई हैं जिसमें कभी कभी आपको ये फील होता है कि इन्होंने मेरे साथ फेयर नहीं किया, तो आप उनके ऊपर एक चीट का लेबल, या आप उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, मुझे अंधेरे में रख रहे हैं, जबकि आपके पर्सन बिल्कुल इस बात में क्लियर और फेयर हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको वक्त गुजरने के बाद आप पे रिवील हुई हों, लेकिन आपके साथ वो चली इस तरह से हैं, यानी आप दोनों के रिश्ते में वो मोमेंट्स
गुजरे इस तरह से हैं कि आपके पर्सन बड़े सेफ रहे कि मैंने तो भाई तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मैंने तुम्हें हर चीज़ सच सच बताई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको क्लेम भी नहीं कर सकते, ना आप उनको ब्लेम कर सकते हैं, और ये हकायक की बातें भी हैं जो कि जिसकी वजह से आप एक जस्टिस डिमांडिंग मोड में हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं हुई, ये तुमने गलत किया मेरे साथ, ये तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो बात आपसे हिडन भी नहीं है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप या तो ख़ुद मैरिड हैं, आप डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, आपकी मनपसंद शादी नहीं हुई भी और आप किसी के साथ इन्वॉल्व है, या आपके पर्सन स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन मैरिड हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और अगर नहीं तो डेफिनेटली ये आपके इंस्ट्रक्टर, कोच, टीच, बॉस, सुपरवाइज़र, कुछ भी आपसे सुपीरियर हो सकते हैं, या आप सिमिलरली यही इन्हीं टाइटल्स में इनकी कैटेगरी में आते हैं। तो आपके रिलेशनशिप की अगर मैं एनर्जी दिखाऊं, बहुत कुछ नहीं बताकर भी सब कुछ बता दिया, और सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि मेरा पर्सन मेरे साथ लॉयल नहीं है। आपके पर्सन बहुत हद तक कोड लैंग्वेज में ज़रूर बात करते हैं, और ये जो मायने बातें हैं, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग, मैसेजिंग, टेक्स्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह का काम इनका बहुत ज़्यादा है, लोगों को गाइड करना, डील करना, ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, मुझे लग रहा है आप लोग ट्रैवल एजेंसी में काम करते रहें या वो ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, दुनिया घूमी हुई है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है, बहुत तजुर्बेकार पर्सन है, लेकिन जब जहाँ बारी आती है आपकी तो आपको ऐसा लगता है कि इतना होशियार चंद इंसान, लेकिन जब मेरी बारी आए तो इसको पता नहीं काम इसके मुंह में ताले लग जाते हैं, इसके दिमाग में अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं, या क्या हो जाता है कि होते हुए भी मेरा, लेकिन मेरा होते हुए भी मेरा नहीं। और वही वाली बात जो मैंने कहा कि आपको सब कुछ पता होते हुए भी कुछ नहीं पता, और कुछ ना पता होते हुए भी आपके ऊपर सब कुछ सारी चीज़ें आया हैं। आपके पर्सन फॉर श्योर आपको डे वन से बटे हुए लगते हैं, जिसकी वजह से आपको उनके ऊपर एक चीट लेबल लगता है, वो बटे हुए हैं फाइनेंसेस में, करियर में, जॉब में, आप में, बीवियों में, हस्बैंड्स में बटे हुए हैं, दो सिचुएशंस तो फॉर डेफिनेटली हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक पूरी लिस्ट के अंदर आप भी उन तमाम लिस्ट में से एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लीडर हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, लोग इनको बहुत सराहते हैं, इनकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिस पे लोग अपना दिल फदा कर दें, और उनमें से आप भी एक हैं। तो ये तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है, जिसमें मुझे यहीं पे भी लग रहा है कि आपको वो चीट नहीं कर रहे, बट हाँ डेफिनेटली आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स बेसिकली आपकी डिमांड्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आपकी रीडिंग का आंसर है, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी मैंने आपको बता दी, पर्सनालिटी ट्रेट्स बता दिए, साइंस बता दिए, लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। पांच कार्ड्स आ गए, पहले ये तीन आए थे, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, जजमेंट, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और एक ही अलग कार्ड आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ओके, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों, नहीं आ रहे होंगे, डेफिनेटली दूर है। अच्छा जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, अच्छा जनाब, आपके पर्सन आपके साथ भाई आपको चीट नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन लॉयल होने की इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितनी आपकी एक पार्टनर को लेकर है। और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो आप इनसे एक बिल्कुल ऑब्सेशन वाला, जो एक बिल्कुल पजेसिव हो जाते हैं ना कि तुम मेरे हो, आप वो अपनी पोजीशन में आप वो डिमांड भी नहीं कर सकते। मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों अलग अलग जगहों पर कमिटेड लोग हैं, ठीक है, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स या आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लीड करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, कोलीग्स हैं, और अगर अगर आप लोग फैमिली पर्सन भी हैं तो अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। होता ये है आपके रिश्ते में, एक तो ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको चीट नहीं कर रहे,
आप इनका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपको छोड़ नहीं सकते। दोस्ती हो गई है गहरी, अफेयर जो है वो मोहब्बत में बदल गया, लेकिन आपके अंदर मोहब्बत शायद एक्सट्रीम इख्तियार कर गया, लेकिन इस पर्सन के जहन में दोस्ती अफेयर जो है वो मोहब्बत के कुछ लम्हों में आई और अब एक बहुत अच्छी दोस्ती बनी। ठीक है, ये मैं आपको बता, अफेयर जो है वो मोहब्बत के ज़ुमर्रे में आया और मोहब्बत के लिमिटेड ज़ुमर्रे में आने के बाद वो एक बहुत अच्छी दोस्ती बन गया। प्लस आपके पर्सन आपकी तरफ माइल हैं, आपकी तरफ झुकते हैं, उनको लगता है कि आपके साथ उनका कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन वो बिल्कुल उस तरीके के साथ आपके साथ नहीं रह सकते जिस तरह से टीनेज लवर्स या फ्रेश लवर्स या रोमांटिक लवर्स या पार्टनर्स रहते हैं, जिसकी वजह से आपको उनके ऊपर डाउट होता है कि मुझ पे चीट कर रहा है। मैं आपको उसकी रीज़न बताऊं, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेशन में आकर बिल्कुल डिसाइड कर लेते होंगे कि नहीं भाई, मेरे साथ लॉयल्टी नहीं आ रही उस नौयत की जो मेरी डिमांड है, मैंने अब इससे अलग हो जाना है। उसी वक्त ये पर्सन आपके साथ किसी इस तरह के सेंटिमेंट्स या अपनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं जो कि आपके मूड के हिसाब से नहीं करते, ये मंजर पर आ जाते हैं, और मंजर पर आने के बाद ये फौरन आपके दिल के साथ खेलते हैं, आपको लाइट अप करते हैं, आपके साथ अवेलेबल रहते हैं, तो उसमें आपको लगता है कि मैं ये डिसीजन में ही नहीं आ पा रही या आ पा रहा कि भाई मैं इनसे अलग हूँ या इनके साथ जुड़ के रहूँ। विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स आपकी सिचुएशन यही है, जब आप सारी कश्तियाँ जलाने वाले होते हैं तो ये जलाते वक्त आपकी माचिस ही जला देते हैं, माचिस ही बुझा देते हैं कि ना माचिस होगी और ना ऐसी सोचें आएंगी। और इनका आपकी तरफ आना इतना वज़नी होता है कि आप अपने डिसीजन में ही डबल माइंडेड हो जाते हैं कि नहीं, अच्छा शायद मैं ही इम्पॉर्टेंट हूँ, बाकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ये एक आपके अंदर का इनसाइट है, आपकी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है कि आप भी इसी तरह के हैं। अगर यकीन करें, अगर ये इंसान आपके साथ समद बॉन्ड की तरह या फेविकॉल की तरह चिपक जाए ना, तो आप ख़ुद इनसे पीछा छुड़ाने लगेंगे, क्योंकि आपको लटकू चिपकू लोग ख़ुद भी नहीं पसंद, लेकिन बस आप नूरे नज़र बनना चाहते हैं कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहें। दूसरी तरफ ये मसला ये है कि ये पर्सन अपनी लाइफ के जितने भी शेड्स को लेकर चल रहा है उसमें इनको बड़ी क्लैरिटी है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कि क्या मामलात आपसे मिलते हैं और क्या मामलात आपसे नहीं मिलते। तो ये होता है ना कि अपनी हर एक सांस, हंसी मजाक, उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज़ एक इंसान बता रहा है। आपके पर्सन आपको वही बताते हैं जिस मकसद के लिए आप उनकी ज़िंदगी में हैं। आप उनकी ज़िंदगी में उनको लाइट करने के लिए, खुश करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, रोमांस करने के लिए, तो वो आपको उसी माहौल में और उसी ब्रैकेट में रखते हैं। इनकी लाइफ में इनके बहुत से दूसरे मसाइल भी हैं, और प्लस ये इनको मालूम है कि अगर किसी को भी प्रॉपरली एंटरटेन ना करो तो उसने छोड़ के चले जाना है। तो ये इस फियर में रहते नहीं हैं, लेकिन ये सेंस कर लेते हैं कि जैसे भाई बहुत दिन हुए, ये आपके साथ खुद भी होता होगा, बहुत दिन हुए उससे बात नहीं हुई, तो ये जो उससे बात नहीं हुई इतने दिन वाली बात होती है ना, ये खुद ही सेंस करके आपके डिसीजन टाइम पर ही आपके साथ मिल जाते हैं, तो आप अपने डिसीजन में फ्लक्चुएटेड हो जाते हैं। हम अपने पर्सन को लेकर तो बड़े पजेसिव होते हैं, लेकिन लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हमने बहुत अरसे से उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया होता, उनका ख्याल भी आता है, लेकिन कभी भी हम उनकी तरफ अप्रोच नहीं करते। इनको ये पता है कि कौन इनकी लाइफ में रुका रहेगा और कौन इनकी लाइफ में चला जाएगा, तो आपका जैसे ही वो किनारा पकड़ में आने वाला होता है कि अब आप किनारा कशी करने वाले, ये उसी वक्त आपकी लाइफ में आ जाते हैं विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे, बट ये ज़रूर है कि उनको ये पता है कि भाई इसके कौन कौन से काम है और इसकी क्या क्या चीज़ें और इसकी क्या क्या ज़रूरियात हैं जो मुझे पूरी करनी है। और प्लस आप अगर अपनी लाइफ को इनसे कंपेयर करें तो आपका भी सिमिलर लाइफ रूटीन है, आपके पास भी बहुत पर्पसफुल इंगेजमेंट्स हैं जिसके अंदर आप बिज़ी हैं, जिसके अंदर आप इंगेज्ड हैं, लेकिन हाँ आपके जहन पर सवार है ये चीज़। और आपके पर्सन को ये भी लगता है जब आप लोगों के दरमियान ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही होती कि आपको लगता है इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं और इनको लगता है आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं, जिसकी वजह से आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ वो किंग है तो आप क्वीन हैं, आप लोगों की डायमेंशन अलग अलग हैं,
लेकिन आप लोग बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और आप लोगों का मिलना, इस रिश्ते में आना, इस रिश्ते में आके जिस तरीके से आप लोग प्रोग्रेस किए, ये फेटेड था। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल, आपका बटन सिर्फ दिल पे अटका हुआ, लेकिन उनकी तरफ बहुत सी चीज़ें हैं जो झमेले कह लें, जो मौके कह लें, जो चॉइसेस कह लें, या वो जिम्मेदारियाँ कह लें, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, बिकॉज ही वो किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड हमेशा पहले वो करता है जो उसके फेवर में जाती है चीज़, फिर वो दूसरों का सोचता है, और प्लस अगर वो हायरोफेंट हो तो फिर तो मामला ही अलग हो गया। तो ये आपके पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे, आपके साथ लॉयल हैं। हाँ, डायमेंशंस आप दोनों की अलग अलग। लेट्स सी मोर, और क्लैरिटी दें प्लीज़, प्लीज़ मुझे और क्लैरिटी दें। यहाँ तक तो पता चल गया, एक साथ बहुत कार्ड्स आ गए हैं। क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर उनके साथ लॉयल हैं, तो इसके लिए और क्लियर मैसेजेस दीजिए प्लीज़। एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे आपके पर्सन के बजाय आपकी एनर्जी लग रही है। आप बहुत जल्दबाज भी लग रहे हैं मुझको, और एज का भी डिफरेंस लग रहा है। प्रॉब्लम यह है कि आपको डिसीजन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके साथ कोई मिसहैप हुआ है, और उस मिसहैप में आपको किसी ने ऐसे टाइम पर छोड़ा जब आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, और जो फेज़ आपने गुजारा है उसमें आपको लगता है कि जैसे आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकेंगे। आपको अभी लग रहा है कि अगर मैंने अभी फैसला नहीं किया तो फिर मैं कभी भी फैसला नहीं करूँ। आप घर बनाना चाहते हैं, आप सेटल होना चाहते हैं, और आपको लगता है कि अगर मेरे साथ इनका मर्जर होता है तो मैं इनके साथ एक अच्छा घर बना सकती हूँ, घर बना सकता हूँ। ये थॉट आपके पर्सन की भी है। मसला सारा ये है कि आपकी सोचें और उनकी जिम्मेदारियाँ। अगर अभी आप डिमांड कर रहे हैं उनसे इमीडिएट एक्शन का, तो आप क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चलो कुछ करो या ना करो, प्लानिंग करो या ना करो, लेकिन कमिटमेंट की प्रायोरिटी के लिए, कमिटमेंट को वजूद में लाने के लिए मुझसे बात तो करो, मुझे क्लैरिटी तो दो। जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपके जहन में, और उस पर आपको डाउट्स होते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता होगा कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो डेफिनेटली इनके लिए आपको कमिटमेंट देना डिफ़िकल्ट है। अब अगर आप इनसे डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको अलग घर करके दें और आपके साथ शादी कर लें, और आपको बताएं कि इनकी नीयत क्या है, और ये आपके साथ सीरियस हैं भी या नहीं है, तो दे आर स्टक विद देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो मैंने बात पहले कही थी, मैं उसको बार बार रिपीट करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही, लेकिन इनकी, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियाँ आपकी भी उतनी ही हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार मिलकर बांट लेते हैं ना, वो मिलकर बांट कर करना नहीं चाहते। ये मैं आपको क्लियर बताऊं, चाहे मेल हो या फीमेल, अपनी सोचें हैं, अपना कोई माइंडसेट है, और ये आपकी और उनकी दोनों की एनर्जी है। आप दोनों इस वक्त ऐसे दौराहे पर हैं कि आपको फैसला करना पड़ रहा है, आप जल्दी से कोई कंक्लूजन चाहते हैं, हो वो चाहे बहुत अरसे बाद, लेकिन आप एक ऑफिशियल कन्फर्मेशन चाहते हैं, जो कि आपको नहीं मिल रही, और फिर आपके ऊपर ये डाउट आ रहा है आपको कि शायद मेरी ज़िंदगी ऐसे ही अकेली, इंडिपेंडेंट और इसी तरह गुजरेगी, बिकॉज इस आदमी ने तो मुझे कोई भी कुछ नहीं देना। आप देखें, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, इधर किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, वहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, और यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद ऐसे ही ज़िंदगी गुजरेगी, ऐसे ही सब कुछ होगा। आप ये देखें कि इनके पास सब कुछ है, अगर आप देखें तो इस किंग के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसके पाँव में ऐसी जकड़ी भी हैं कुछ बेस, कि ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता। एक एक चीज़ इस इंसान के पास मौजूद है, बहुत डैडी, बहुत ही कमिटेड, बहुत ही वेल्दी, बहुत स्टेबल, बहुत ही मैच्योर पर्सन है, लेकिन वो चीज़ें जो आपको रोक सकती हैं, अगर आप इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखें, तो इसके पाँव में भी सारी जो पेड़ की बेलें हैं वो लिपटा हुआ है अपनी ही जगह से, वो नहीं हिल सकता।
आप जो अटायर पहने हुए हैं उसका प्रिंट ऐसा है, यानी कि थोड़े अरसे बाद आपकी भी ये कंडीशन हो सकती है कि फिर आप भी अपनी जगह से ना हिलें, और ये तो हिल ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर ये एक बिलीव सिस्टम सेट होता चला जा रहा है कि आपको शायद आगे भी जाकर ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये इंसान तो मुझे कोई क्लोजर नहीं दे रहा या दे रही। तो आपके पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे, जब अगर आपके साथ ये भी होता होगा कि जब आप बैठकर इनसे बात करना शुरू करते होंगे ना, ओ माय गॉड आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सब इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं। मैं कह रही थी आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप इनके साथ जब बात करने शुरू करते होंगे ना, आप आर्ग्यूमेंट लूज कर देते होंगे, तो आपको लगता होगा कि यार मैं तो बहुत प्लान्ड होकर मैंने काम शुरू किया था, लेकिन चितपट हो गई मेरी, तो इसने तो मुझे चुप करा दिया। इनके पास बात ही ऐसी होती है कि ये दो लफ्ज़ों में कहानी ख़त्म कर देते हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आता कि भाई गुफ्तगू को एक्सटेंड करें, डिस्कशन को प्रोलॉन्ग करें, आए फॉर्म में नहीं आए, तो देर आर सो मैनी थिंग्स। ठीक है, तो वेल दिस इज़ ऑल अबाउट, आपके पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे, बट देर आर सो मैनी अदर रीजन्स टू थिंक अबाउट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें चैनल को, और हेल्प मी टू ग्रो। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कॉल ना करें, एसएमएस ना करें, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग बुक कर लें। ठीक है, बाय बाय।